एस्टेरॉयड या जिन्हें क्षुद्र ग्रह भी कहा जाता है। हमारे सौरमंडल के सभी ग्रहों की तरह ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। माना जाता है कि एस्टेरॉयड लगभग 4.6 अरब साल पहले हमारे सौरमंडल के शुरुआती गठन से बचे हुए चट्टानी अवशेष हैं, जो अधिकांश रूप से एक मुख्य क्षुद्र ग्रह पट्टी में पाए जाते हैं, जो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच होते हैं। इनका आकार 10 मीटर से लेकर 530 किलोमीटर तक हो सकता है। वैज्ञानिक क्षुद्र ग्रह और पृथ्वी के बीच की दूरी को तब देखते हैं जब यह पृथ्वी के करीब आता है। इसके लिए सैटेलाइट और रडार की मदद ली जाती है। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में अधिकांश क्षुद्र ग्रह परिक्रमा करते हैं, लेकिन कई क्षुद्र ग्रहों की कक्षाएं पृथ्वी के आसपास से गुजरती हैं और उनमें से कोई कोई क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में आकर पृथ्वी की ओर आने लगते हैं। पृथ्वी के कक्षीय पथ को पार करने वाले क्षुद्र ग्रहों को अर्थ क्रॉसर के रूप में जाना जाता है। इन क्षुद्र ग्रहों पर दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां नजर रखती हैं। इसके बावजूद बहुत से क्षुद्र ग्रहों का पता बिल्कुल अंत में लगता है जब वे पृथ्वी के करीब आने वाले होते हैं। ऐसा ही एक एस्टेरॉयड हमारी धरती के करीब आ रहा है और यह 6 अप्रैल को पृथ्वीवासियों की चिंता बढ़ा सकता है। 90 हाथियों जितना बड़ा यह क्षुद्र ग्रह 16 मार्च 2023 को खोजा गया था, जिसको वैज्ञानिकों ने 2023 FM नाम दे रखा है। इसे धरती के लिए संभावित रूप से खतरनाक माना गया है। माइनर प्लेनेट सेंटर के डेटा से पता चलता है कि यह क्षुद्र ग्रह 15.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से हमारी धरती की ओर बढ़ रहा है, यानी यह 56,880 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हमारी ओर आ रहा है। इसकी ऊंचाई लगभग 85 से 270 मीटर के बीच हो सकती है। इतनी बड़ी चट्टान होने के बावजूद वैज्ञानिक इस एस्टेरॉयड को इतनी देर से खोज पाए, इसका रूट भी हाल ही में पता चल पाया है। साइंटिस्टों के अनुसार कई बार क्षुद्र ग्रहों का पता देर से चलता है, क्योंकि वह सूर्य की तेज रोशनी में छुपे रहते हैं और उपग्रहों या रडारों द्वारा नहीं पकड़े जाते हैं। ऐसे क्षुद्र ग्रह चिंता का कारण बन जाते हैं, क्योंकि उनकी दिशा बदल सकती है और ये पृथ्वी से भी टकरा सकते हैं। अगर कोई क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराता है तो ये हमारे ग्रह पर भारी तबाही ला सकता है। ऐसा माना जाता है कि करोड़ों साल पहले एक एस्टेरॉयड के टकराने से ही डायनासोर भी धरती से पूरी तरह खत्म हो गए थे। अब बात करें 2023 FM एस्टेरॉयड की, तो अगर यह एस्टेरॉयड धरती से टकराता है तो यह एक छोटे से शहर को तबाह कर सकता है। जिस स्पीड से यह एस्टेरॉयड धरती की तरफ आ रहा है, अगर उसी स्पीड से धरती से टकराता है तो जमीन पर कितनी गहरी खाई बन जाएगी, इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि एस्टेरॉयड और धरती के बीच की दूरी करीब 30 लाख किलोमीटर के आसपास होगी। वैसे ये एस्टेरॉयड 6 अप्रैल को पृथ्वी के पास से गुजरेगा, लेकिन अगर इसकी दिशा किसी कारणवश पृथ्वी की ओर हो जाएगी तो ये भयानक हादसे को अंजाम दे सकता है। इस एस्टेरॉयड के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में बताएं।